बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में बुधवार से ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कुरुद अंचल के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में विधिवत पूजा अर्चना के बाद धान खरीदी की गई। इसी तरह प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बगौद और भाटा गांव में सोसाइटी के सभी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों किसान भाइयों ने तराजू कांटा व धान की पूजा अर्चना कर धान खरीदी की शुरुआत की। एसडीएम डीसी बंजारे ने सभी सोसाइटी का निरीक्षण किया और भाटा गांव सोसाइटी पहुंचे और बताया कि किसानों का 25% बारदाना लाने का था, जिसमें से उनका कीमत बढ़ा दिया गया है, 18 से 25 कर दिया गया है। और तो और, जो किसान बारदाना लाना चाहते हैं वह ला सकते हैं। बारदाना की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। भाटा गांव सोसाइटी में धान को रखने के लिए पुराने सड़े भूसी का ही उपयोग करते पाया गया है, जिसमें एसडीएम ने सोसाइटी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें नए भूसी का उपयोग किया जाए, जिससे धान खराब ना हो। अभी टोकन का प्रॉब्लम आ रहा था, पहले शासन ने निर्णय लिया था कि 25% बोरी किसान लाएंगे, अनिवार्यता कर दिया था, उस बाध्यता को ख़त्म कर दिया है। तो उसको अभी मैं जांच करते हुए जा रहा हूँ। अभी चर्रा सोसाइटी गया था, ये भाटा गांव, दोनों हमारे कुरुद ब्लॉक का अति संवेदनशील एरिया था, और यहाँ अभी तो सभी को बारदाना मिल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। और यदि किसान स्वेच्छा से देते हैं तो उसको 25 रुपये में उसको दिया जाएगा बोरी का कीमत, 25 रुपये, पहले 18 रुपये कर दिए थे, अब उसको 25 रुपये कर दिया गया है। शासन की जो योजना है उसके हिसाब से धान खरीद कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, और शासन की मंशा के अनुरूप ही 14 क्विंटल 80 किलो का प्रति रिकॉर्ड लेने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उनके हिसाब से धान खरीदी कार्य प्रारंभ हुआ है। तो आज के हमारे सम्माननीय गणमान्य नागरिकों द्वारा पूजा स्थल पूजा करके पूजा करने के पश्चात आज कार्यक्रम प्रारंभ किया। मोटे धान का 1940 रुपये और पतले धान का 1960 रुपये का समर्थन मूल्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके तहत हम खरीदी किया जाना है। आज धान खरीदी का शुभारम्भ सहकारी समिति के सदस्यों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा और कृषक की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया है। लेकिन दिक्कत वहां पर आ रही है जहां बारदाना किसान को देना है, 25% जो आदेश प्राप्त हुआ है उसमें किसान बारदाना देने में झिझक रहे हैं, क्योंकि गत वर्ष जो किसान बारदाना दिए हैं उसका भुगतान नहीं हुआ है। अगर भुगतान हुआ रहता तो किसान एक बार बारदाना देने के लिए सोचते, और किसान के पास बारदाना रहता ही नहीं, पहली बात तो ये है, वो अपने उपयोग के लायक बारदाना रखते हैं। तो यह जो आदेश है उसे निरस्त किया जाए, शासन से मैं चाहता हूँ। और यह जो धान खरीदी का जो मामला है, ये केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई है, लेकिन इसमें किसान पीस रहे हैं। लड़ाई लड़ते रहे राजनेता लोग, राजनीति करते रहे, लेकिन किसान के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, किसान तो एक किसान है भाई, वो तो सभी दल से जुड़े हुए हैं, जिनका सरकार है उनका किसान है। तो मैं शासन से मांग करता हूं कि ये बोरा जो देने की जो बात कही गई है सरकार के द्वारा, उसे निरस्त किया जाए और धान खरीदी सुचारू ढंग से किया जावे। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी।